का। बालक तन में, सुनो बेटा, यहां पर द्रव्यार्थक नय में पर्याय को गुण करके कथन होता है, अथवा भेद को गुण करके व्याख्यान होता है। द्रव्यार्थक नय में अभेद की प्रधानता रहती है, वो अभेद में जाके मूल में प्रवेश कर जाते हैं, और मूल में प्रवेश करने पर क्या देखते हैं, जैसे कि मटका, कुल्लड़, सकोरा सब दिख रहे हैं पर्याय, वहाँ देखते हैं, तुम देखते रहो सब कुछ, मिट्टी, क्या है वो, मिट्टी, मिट्टी से बाहर क्या है, आकारों को गुण कर दिया, वस्तु को ग्रहण कर लिया। तो अब ये कह रहे हैं भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्धो द्रव्यार्थकता निज गुण पर्याय स्वाद द्रव्यम अभिन्नम। भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद की कल्पना को निरपेक्ष कर दिया, शुद्ध द्रव्यार्थ को, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, यथा जैसे कि निज गुण पर्याय स्वाभाव द्रव्यम अभिन्नम, निज द्रव पर्याय, निज पर्याय निज गुण से द्रव्य अभिन्न है। इधर देखो, इसी को प्रवचन साजी की भाषा में बोलें तत् अतत् संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से हमको द्रव्य गुण पर्याय में अततपना दिखाई देता है स्पष्ट, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से द्रव्य गुण पर्याय में अभिन्नत्व है स्पष्ट, बराबर। अब चलिए, जहां पर्याय है जिन प्रदेशों में वही गुण है, जहां गुण है पर्याय है वही द्रव्य है। आपको समझना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको जानना चाहिए संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नत्व का वेदन करते हुए भी अभिन्नत्व पर जाना चाहिए। ये सूत्र हम व्यवहार में भी लगा सकते हैं, परमार्थ में भी लगा सकते हैं, लोकाचार में भी लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जैन है, ठीक है, अरे भाई तुम समझो, मूल में जाइए, ब्राह्मण आखिर में आए कहाँ से, वही लोग तो ब्राह्मण बने, क्षत्रिय है कौन, वे तो क्षत्रिय है सब, जैन है कौन, वे तो सब जैन है। उदाहरण, स्थूल उदाहरण में आइए, मुनि महाराज, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कर दो भेद, ये चर्या से भेद है तुम्हारे, ये क्रिया से भेद तुम्हारे, आखिर में तुम सब हो कौन जैन, तुम जैन ही तो ब्रह्मचारी बन गए, जैन ही तो मुनिराज बन गए, जैन ही तो व्यापारी बन गया, मूल में जाओ तुम कौन, जैन। इसी प्रकार से इन वर्णों में जाने पर बांटो मत, समझो, ये अभेद नहीं बोल रहा है, बांटो मत समझो, सांप्रदायिक भिन्नत्व है, सब एक हो। फिर मैंने क्या बोला, तुम नहीं कर पाओगे अभेद, मेरे पास बैठो हम बताते अभेद कैसे कर पाओगे,
संप्रदायों को एक करने की चेष्टा मत करो, संप्रदाय को जो जी रहे संप्रदाय में उन्हें एक करने की चेष्टा करो। क्या पकड़ा बालक? संप्रदाय करने की चेष्टा मत करो एकत्व की, संप्रदाय एक नहीं हो पाएंगे, वे बुद्धि के व्यापार हैं, पर तुम जहाँ जन्मे हो वे सब एक हो। तुम्हारे यहाँ तारंतरण हो गए, तुम्हारे यहाँ सोनगढ़ हो गया, तुम्हारे यहाँ 13 पंथ हो गए, तुम्हारे यहाँ 20 पंथ हो गए, तुम्हारे यहाँ कितने कितने ग्रुप बनते चले गए, अब साधुओं के नाम से पंथ बनते चले जा रहे हैं, आखिर में तुम सब एक ही संतान हो के नहीं सबके? ये भेद तुम्हारे लोगों ने कर दिए, समझ रहे ना? इसलिए अब मेरा दूसरा लक्ष्य है, अरे भाई आंग्ल वासियों ने सेना में भारतीयों को भर्ती कर लिया, सो तुम उनकी सेना के सैनिक हो चुके हो, पर वो तुम जो बंदूक लिए चला रहे हो प्रयोग किस पर कर रहे हो? जिनके तुम हो उन पर कर रहे हो, ये विवेक होना चाहिए। ऐसे मेरे समाज से कहना, देश की समाज से, जैन समाज से कह रहा हूँ, जैन समाज से, ये नाना प्रांतों के व्यक्ति साधु बन जाते हैं, अपने प्रांतों के राग में तुम्हें आगे यहाँ लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, तुम समझो, मत लड़ो इन साधुओं के चक्कर में, तुम सब अपने समाज को देखो, इनको प्रणाम करो, आहार कराओ, प्रवचन सुनो, इनसे अखंडता सीखो तो सीख लेना, खंड खंड साधुओं चक्र मत हो, क्योंकि धर्मात्मा साधु कम बचे हैं जिन्हें जैन धर्म का प्रचार दिखता है, अपने प्रचार के लिए लड़ाते हैं, धर्म के लिए प्रचार कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। कोई भी साधु कहीं ग्रुप बनाए लड़ाई झगड़े कराए, वो मात अपने चरम ये चमड़ी के लिए करा रहा है, कसाई के लिए करा रहा है, जैन धर्म के लिए झगड़ा हो ही नहीं सकता तीन काल में। कोई जेल जा रहे हैं, कोई कहीं पटक रहे, कोई कहीं पटक रहे, किसके पीछे? मात अपने चमड़ी के पीछे। जिन शासन आत्म तत्व की व्याख्या करने वाला धर्म है, ये तो वितरागता की व्याख्या करता है, अभेद की व्याख्या करता है, भेद में भी अभेद देखता है, उसका नाम जिन शासन है। ये भेद कल्पना निरित्य शुद्ध व्यार्थिक न्याय का विषय है, ठीक है? तन्मय भाई भूलना नहीं राजेश, अभी भी यदि देश के नागरिक नहीं समझे तो अब तुम्हें महावीर सिखाने नहीं आएंगे। विसंवाद किस बात का बोलो काला जी, विसंवाद किस बात का? आपको अपना निजीपना दिख रहा है इसलिए लड़ रहे हो, अभेद दिखे ना तो लड़ाई समाप्त। जाति धर्म देखो ना, यूक्रेन में भी वही जाति के लोग रहते हैं और रूस में भी वही जाति के लोग रहते हैं। जाति देखे युद्ध बंद हो जाए, वे जाति नहीं देख पा रहे बेचारे, धर्म भी नहीं देख रहे, वे मान के साथ देख रहे हैं, इसलिए आपस में दबम पटक रहे हैं और दूसरों को बुला करके मरवा रहे हैं अपनी जाति के लोगों को। एक काम नहीं होना चाहिए कहीं पे। प्रीतेश भाई आपसे कह रहा हूँ, सब युवाओं से, बेटा ऐसा कभी मत करना कि तुम्हारा भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो भाई से कसाई में आकर के गैरों को बुला करके उसको मरवा मत देना। तुम बेटा जब ठंडे होंगे तब तुमको विभीषण जैसा रोना पड़ेगा। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण रोया कि नहीं रोया? रोना पड़ेगा। पंडित जी सुन रहे कि नहीं? रिश्ते संबंध खट्टे हो सकते हैं पर तुम्हारा जाति धर्म खट्टा नहीं होना चाहिए। रिश्ते खट्टे हो सकते, मध्यस्थ हो जाइए, पर रिश्ते खट्टों के पीछे हम ये नहीं कर पाएंगे, इसको मैं अब जीने नहीं दूंगा। भाई महाराजों से कह रहा हूं, समत सागरी, इस आदमी को मैं रहने नहीं दूंगा, भस्म करवा दूंगा। तुम भस्म करवा दोगे, समाज है, श्रावक है, ऐसे तुम करवाते हो, इच्छा की पूर्ति नहीं करवाते जाओ, तुमको आहार देने वाले नहीं मिलेंगे महाराज, समझ रहे ना? तुमको आहार देने वाले नहीं मिलेंगे, आहार देने वाले, इसलिए तुम्हारे भक्त हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, वे हमारे ही भक्त हैं,
तुम दुश्मन बनाने की बात नहीं करो, लेकिन हम दुश्मन नहीं बनेंगे, हमारे जिन शासन के भक्त हैं। एक एक बच्चा जैन धर्म है, ऐसी व्याख्या करो। ये सम्मत के हो गए, ये प्रणीत के हो गए, ये सौम्य के हो गए, ये सुप्रो के हो गए, ये अनुपम के हो गए। ये बातें नहीं आना चाहिए, बातें ये होना चाहिए हम सब जैन धर्म के भक्त हैं, विशुद्ध सार के नहीं हो। इससे धर्म चलेगा। अपने अपने भक्त बांट कर समाज को टुकड़े करने की जरूरत है। तुम्हें बनाना है तो अजैनों को जैन बना के दिखाओ ना। आप इन्हीं को बांट रहे हो, पीस रहे हो, और फिर चटनी पे रख करके तुम्हें खा जाएंगे सब। इसलिए साधु संतों की सेवा करो, परंतु इनके राग में आकर के आपस में दुश्मनी मत बांधो। हम तो भगवान तक के रागी नहीं बनाना चाहते। तुम भगवान के भक्त बनो, पर भगवान की भक्ति के राग में समाज के दुश्मन मत बनो। समझ में आ रहा ना? ऐसा उपदेश होगा तभी धर्म चलेगा। टुकड़े करने वालों से धर्म चलने वाला नहीं है। जो तुम्हारे भक्त नहीं, बेबी चौका लगा के आहार कराते कि नहीं कराते हैं? उन्हीं का आहार करके उन्हीं की तुम निंदा करते हो। कितने घोर पापी हो तुम। साधु जाकर के आहार करे, उन्हीं के द्वारा पेट भरे, शक्ति पाए, और उन्हीं के तुम कहो ये हमारे भक्त नहीं है। नहीं, साधु का कोई अभक्त नहीं होता है। अजैन भी साधु के भक्त होते हैं, जैन भी साधु के भक्त होते हैं। साधु को सब कोई मानने वाला होता है। अभेद सीखो, अभेद ने का आलम्बन परमार्थ में भी लो, अभेद का आलम्बन व्यवहार में भी लो। नमो रंता नमो सदा नमो पधारो।